सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर में आपका स्वागत है। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको केमिस्ट्री, आप पढ़ने वाले हैं सॉलिड स्टेट, और आज हम बात करेंगे बैंड थ्योरी के बारे में। बैंड थ्योरी के बारे में हमें विशाल सिंह ने पूछा हुआ था, कई दिन से सोच रहे थे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से जो है मोबाइल में फॉल्ट आ गई थी, इस वजह से जो है हम वीडियो बना नहीं पा रहे थे। अब वो प्रॉब्लम हो चुकी है, तो अब हम बात करते हैं, चलिए शुरू करते हैं बैंड थ्योरी के बारे में। बैंड थ्योरी के से पहले अभी हम सबसे पहले जान रहे थे कि ये बैंड होता क्या है, थोड़ा सा डिस्कशन इस बैंड के बारे में, क्योंकि बहुत अधिक वे में तो अभी जाने की आवश्यकता नहीं है कि पूरा लंबा चौड़ा बताया जाए, तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। जैसे एक हमारा कॉन्सेप्ट था जो है, हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर क्लास 11th में पढ़ा हुआ था, जब हम वहाँ पे जो है मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, तो यानी आधुनिक परमाणु संरचना वाला चैप्टर, वहाँ पे जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने देखा था कि भाई जितने भी सेल्स होते हैं n=1, n=2, n=3, यानी जितने भी सेल्स होते हैं इन सब के क्या होते हैं, अपने एक एनर्जी लेवल होते हैं। क्या होता है? एनर्जी लेवल। हर एक एटम का n=1 के लिए अलग एनर्जी लेवल होगा, n=2 के लिए अलग एनर्जी लेवल होगा, n=3 के लिए अलग अलग एनर्जी लेवल होगा। तो अगर हम बात करें, जैसे चूंकि ये सॉलिड स्टेट का चैप्टर है, तो यहाँ पे कोई भी एटम हमें पकड़ना है, एक इंडिविजुअल भी एटम हमें लेना है, और उस एटम को लेके हम जब देखेंगे तो उसमें भी n होगा, 1 होगा, 2 हो सकता है, 3 होगा, यानी सेल्स होंगे, सेल में भी अप सेल्स होंगे और सब सेल्स होंगे, सब सेल्स में भी ऑर्बिटल होगा, और ऑर्बिटल में भी 2 टाइप के इलेक्ट्रॉन होंगे जो अपोजिट डायरेक्शन में जो है मूव कर रहे होंगे। तो ये सब हम जानते हैं, तो वो उन सब की अलग अलग इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग क्या होती है, एनर्जी लेवल होती है उनके, वो देखा जाता है कि वो न्यूक्लियस से कितना दूर है, कितना नज़दीक है, जितना दूर होगा उसकी एनर्जी लेवल उतनी ही ज़्यादा हाई होगी, जितना नज़दीक होगा न्यूक्लियस उसे अपने अट्रैक्शन ऑफ फोर्स के अकॉर्डिंग जो है खींच के रखे होगा, बांध के रखे होगा, तो उसकी एनर्जी कम हो जाती है। लेकिन जब इसी एटम को एक सॉलिड क्रिस्टल के रूप में बनाते हैं, जैसे अगर हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पर हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे हम क्या ले लें, कौन सा क्रिस्टल, सोडियम क्रिस्टल ले लेते हैं, तो सोडियम के जितने भी, या सिलिकॉन के ले लेते हैं कोई भी, क्योंकि यहाँ पे बात होनी चाहिए कि किसी भी आप एटम की ले लीजिए, तो वो जो सोडियम होगा या फिर सिलिकॉन होगा उसका जो इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन, अगर एक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो एक परमाणु में उसके एनर्जी लेवल मान लेते हैं यक्स है उस इलेक्ट्रॉन का, लेकिन जैसे ही वो सॉलिड क्रिस्टल में आ जाएगा तो सॉलिड क्रिस्टल में हो सकता है कि n एटम्स हो, सोडियम सिलिकॉन के कितने एटम हो, n एटम हो, तो इस n एटम के कारण जो टोटल एनर्जी लेवल होगा वो nx टाइप का होगा, nx लेवल एनर्जी होंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि नहीं, nx नहीं होता, कभी कभी ये nx से ज्यादा या फिर nx से कम या फिर nx के ही बराबर, ये तीनों स्थितियां संभव हो पाती है, मतलब कि ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, या बराबर भी हो सकता है। तो ये इस टाइप का जो एनर्जी लेवल है, जो कि डिफरेंस आ रहा है, अंतर आ रहा है, इसी को हम बैंड एनर्जी कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, बैंड एनर्जी। और हमें पढ़ना है बैंड थ्योरी के बारे में कि उस एनर्जी यानी बैंड एनर्जी के बारे में हमें किस किस टाइप की, क्योंकि इंडिविजुअल परमाणु को पढ़ना अलग बात है और क्रिस्टल में जाके परमाणु की इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का अध्ययन करना ये अलग टॉपिक है। तो यहाँ पे जो जितने क्रिस्टल में जितने सारे इलेक्ट्रॉन हैं या जितने भी एटम्स हैं उनके चारों ओर जितने भी इलेक्ट्रॉन घेर के मूव कर रहा है, उसमें क्या होता है कि एक नज़दीकी, मान लेते हैं एक ए एटम है और उसका नज़दीकी बी एटम है, हालांकि यहाँ पे हम आपको बता दें कि a=b होगा, क्योंकि मान लेते हैं ये हो सकता है Na हो या फिर सिलिकॉन, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ क्या होता है कि भाई इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा और इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा, ये दोनों में शेयरिंग भी तो हो सकती है, शेयरिंग हो जाती है, कैसे, सिलिकॉन के केस में जो हमने पढ़ रखा हुआ है कि सिलिकॉन को चारों तरफ से अलग अलग सिलिकॉन घेरे हुए हैं, तो ये सिलिकॉन क्या कर रहे हैं, ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन ही तो है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का शेयर कर ले रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन, अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन, इसकी भी प्रॉपर्टी है, इसकी भी प्रॉपर्टी है, यानी ये चारों तरफ से अपने, अब इन्हीं मिक्सअप के कारण जो है एनर्जी लेवल आगे या पीछे हो जाता है, यानी कम या ज्यादा हो सकता है। तो उसी एनर्जी यानी इस टोटल एनर्जी को हम क्या कहेंगे, बैंड कहेंगे।
ये तो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत लंबा लेके चलने की आवश्यकता नहीं है। तो बैंड क्या होता है, जैसे अगर हम बात करें अलग वे में बात कर लें कि हमारे पास सिलिकॉन है 14, और अगर इसको हम 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p2, ये अगर इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ये कुछ इस टाइप का होता है, 2, 8 एंड 4, यानी फर्स्ट में n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2 और n इक्वल टू 3। अगर हम बात करें तो n इक्वल टू 1 ये है, n इक्वल टू 2 ये है, n इक्वल टू 3 के लिए 3d0, यानी 3 में भी मतलब इलेक्ट्रॉन लेकिन नहीं है, 3d सबसे प्रेजेंट है लेकिन उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब इसकी बात करें s p और d इसकी बात करें, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा और बाकी सब खाली होगा। तो ये इंडिविजुअल अपने सिलिकॉन की बात हो रही है, लेकिन जब ये एक क्रिस्टल के रूप में रहेगा, क्रिस्टल के रूप में रहेगा, तो उस केस में क्या होगा कि ये बहुत सारे, यानी कि अगर हम इसके इंडिविजुअल की बात करें तो यहाँ पे n इक्वल टू 1 का अपना एक एनर्जी लेवल होगा, फिर n इक्वल टू 2 का अपना एक एनर्जी लेवल होगा, फिर n इक्वल टू 3 का अपना एक एनर्जी लेवल होगा। लेकिन जैसे ही ये जो है संपूर्ण क्रिस्टल में आएगा, तो क्रिस्टल में आने के कारण क्या होगा कि इसकी जो एनर्जी है वो डिफरेंस होने लगेगी, यानी परिवर्तित होने लगेगी। अब ये कैसे होगा, जैसे क्रिस्टल सिलिकॉन की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे जो एनर्जी लेवल होगा, जैसे n इक्वल टू 3 की बात करूँ तो यहाँ पे मान लेते हैं इस क्रिस्टल में टोटल जो है कैपिटल N नंबर्स ऑफ सिलिकॉन है, तो उसके केस में क्या होगा कि ये जो हम लाइन बना रहे हैं ये लाइन हमें बहुत सारी प्राप्त होगी, वो लाइन करीब जो है कैपिटल N टाइप का भी हो सकता है। तो इस इतना बड़ा मतलब इतने लेयर के साथ जो है ये एनर्जी एनर्जी क्रिएट होगी, इसी को हम बैंड एनर्जी कहते हैं। अब यहाँ पे n इक्वल टू 2 की अगर बात करेंगे तो n इक्वल टू 2 जो कि इतने अधिक, मतलब वो जितने हमने क्या बताया कि जितना नज़दीक जाएगा उसकी एनर्जी लेवल उतनी ही कम होती जाएगी, यानी इसका तो इतना अधिक तो नहीं होगा, हाँ लेकिन इससे कम मतलब होगा, ये होगी इसकी सेकेंड। और n इक्वल टू 1 के लिए अगर बात करेंगे तो ये और भी कम होगा, कम होता जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये सब हमारी क्या कहलाती है, बैंड एनर्जी कहलाती है। तो ये एनर्जी n इक्वल टू 3 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो तीन टाइप के जो है हमें सबसेल मिल रहे हैं, एक सबसेल 3s मिल रहा है, एक सबसेल 3p और एक सबसेल 3d मिल रहा है। तो इस 3s 3p 3d में भी अलग अलग होगा। तो अब ये जो बैंड एनर्जी है इसको हम दो टाइप में बांट सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 3s और 3p, यानी कि जो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ है और जो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ है, और बाकी तो ये क्या होता है पूरी तरीके से रिक्त होता है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अपने वो कितने टाइप के हैं, मतलब अगर हम देखना चाहें कि कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं तो दो इसमें रह सकते हैं, 6 इसमें रह सकते हैं और इसमें कितने रह सकते हैं, 10, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 18। 18 में से अगर मैं बात करूँ कि कितने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा, या फिर हम 3d को अभी इंक्लूड से बाहर कर लेते हैं क्योंकि शेयरिंग ऑप्शन केवल 3s और 3p में ही है, तो 3s और 3p के लिए अगर हम बात करें तो 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा और 4 इलेक्ट्रॉन जो है नॉन शेयरिंग में रहेगा, यानी कि वो शेयर में नहीं आएगा। तो 8 इलेक्ट्रॉन, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है हम इसे दो टाइप में बैंड में बांट सकते हैं भाई, कि एक को हम कहते हैं वैलेंसी बैंड, एक को हम वैलेंसी बैंड कहते हैं जिसमें जो है इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होता है, और इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होने के बाद जो है क्या क्रिएट होता है, एनर्जी क्रिएट होता है, तो उसको हम कहते हैं वैलेंसी बैंड। दूसरा नाम और हम एक दे देते हैं जिसको हमें जो है कंडक्शन बैंड नाम देना होगा, कंडक्शन बैंड। ये कंडक्शन बैंड क्या है कि इसमें इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी नहीं होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन टेम्परेचर के बढ़ाने के साथ साथ वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन मूव कराया जा सके, इस तरीके का होगा। अब ये दो टाइप का, अब हमने यहाँ क्या पढ़ा कि वैलेंस जो बैंड होगा हमारा वो दो टाइप का होगा, दो टाइप में, जैसे 3s हमारा वैलेंसी बैंड में आएगा और 3p और 3d जो आएंगे जो रिक्त है
या फिर प्रॉपरली टोटल 3D हमारा कंडक्शन बैंड होगा और जो 3P का कुछ वैलेंसी बैंड में जाएगा और कुछ जो है कंडक्शन बैंड में जाएगा। तो इससे हम इसे यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि दो भागों में इसे जो है इसी के अंदर इसे हम जो है दो भागों में बांट सकते हैं। एक भाग हमारा नाम कहलाएगा जो है वैलेंसी बैंड और दूसरे का नाम आएगा कंडक्शन बैंड या चालक बैंड। ठीक है, संयोजी बैंड और चालक बैंड। अब इनमें क्या होगा कि भाई अलग अलग एटम्स, यहाँ कोई सिलिकॉन की ही बात नहीं हो रही है, बहुत सारे एटम्स की अलग अलग एटम्स की बात हो रही है। तो ये दो, ये इसमें जो डिफरेंस आएगा कि इसकी एनर्जी लेवल और इसके एनर्जी लेवल, ये जो बीच में आपको डिफरेंस दिख रहा है यानी गैप दिख रहा है, इसी को हम कहते हैं एनर्जी गैप। क्या कहते हैं? एनर्जी गैप कहते हैं। इसको इजी से प्रदर्शित करते हैं कि ये यही होता हमारा जो है एनर्जी गैप। अब ये एनर्जी गैप किस टाइप का हो सकता है, एनर्जी गैप होने के जो है कंडीशन है, तो इसी पे हमें चर्चा करनी है कि एनर्जी गैप किस टाइप का हो सकता है, इसके आधार पर हम बैंड थ्योरी में क्या क्या समझेंगे। तो ये तो छोटा सा कॉन्सेप्ट, अब इसी को ब्रेक करके हम जो है बैंड के पास वापस चले आते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि बैंड दो टाइप का होता है, एक होता है वैलेंसी बैंड और दूसरा होता है जो है कंडक्शन बैंड। यानी कि संयोजी बैंड और जो है चालक बैंड, दो नाम है इसका। अब अगर हम बात करें जो है कि इलेक्ट्रॉन लेवल की, तो यहाँ पे हमें दो टाइप का हमने कहा कि बैंड दिखेगा, ये होगा हमारा वैलेंसी बैंड और ये होगा हमारा जो है जो क्या होगा कंडक्शन बैंड। तो वैलेंसी बैंड और ये होगा हमारा कंडक्शन बैंड। इसके बीच में जो गैपिंग होगी वो इजी होगी, यानी कि एनर्जी गैप होगा। ये एनर्जी गैप कितना ज्यादा होगा कितना कम होगा इस पर बेस पर हमें चर्चा करनी है। तो पहला केस आता है कि क्या होगा अगर इजी जो है इस ग्रेटर देन जो है कितना आ जाए 8.0 × 10⁻¹⁹ जूल, यानी 8×10⁻¹⁹ जूल, या फिर हम इसे कह सकते हैं कि एक जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल होता है। तो 16×50 यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कंडीशन, अगर हमारा ईजी जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन से अधिक हुआ, इसका ईजी का जो गैप है यानी वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो अंतर है वो 5 इलेक्ट्रॉन गैप से अधिक हुआ, यानी कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में गैपिंग है, तो उसमें क्या होगा कि हीट यानी कि हम जो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्योंकि अपने आप तो जा नहीं सकता क्योंकि गैपिंग बहुत दूर हो गई है, तो गैपिंग तो बहुत दूर हो गई है, तो हमें क्या करना है कि भाई यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकता, इलेक्ट्रॉन मूविंग नहीं हो पाएगी, तो इसमें जो है कंडक्शन वाला रूल जो है फॉलो नहीं हो पाएगा। तो यानी ये क्या कहलाएगा, इस प्रकार का जो सॉलिड है वो क्या कहलाएगा हमारा जो है इंसुलेटर यानी कि अचालक या नॉन कंडक्टर भी हम कह सकते हैं कि अचालक कहलाएगा। कौन से कंडीशन में, जब हमारा जो ईजी है वो अगर 5 इलेक्ट्रॉन से अधिक हुआ तो हमारा क्या कहलाएगा, इंसुलेटर कहलाएगा। सेकेंड कंडीशन देख लेते हैं, हम सेकेंड कंडीशन के बारे में जान लेते हैं कि अगर ईजी अगर हमारा जो है या तो तीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर हम कहें कि ईजी जो है 5.0 × 10⁻¹⁹ जूल, इससे अगर बराबर हुआ या फिर कम हुआ, इस स्थिति में क्या होगा कि गैपिंग बहुत छोटी होगी। जैसे ही हम हीट इंक्रीज करेंगे या फिर टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे या टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जो है क्या करेगा, कंडक्शन जो है बैंड में मूव कराने लगेगा। इस कंडीशन में ये जो हमारा केस होगा वो होगा सेमी कंडक्टर। क्या होगा, यानी जो हमारा सॉलिड होगा वो कैसा होगा, सेमी कंडक्टर होगा, यानी कि इसे हम कहेंगे अर्ध चालक।
हमने बताया कि यहाँ पे अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो ये वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड आपस में क्या करने लगेगा, ओवरलैपिंग करने लगा, ओवरलैपिंग हो जाएगा। फिर तीसरा केस आता है, यहाँ पे हम देखते हैं तीसरा केस कि क्या होगा अगर ईजी जो कि गैपिंग है वो जीरो जूल या फिर जीरो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाए, यानी कि बिल्कुल भी गैपिंग ना हो। बिल्कुल भी गैपिंग नहीं होने का कंडीशन ये है कि ये ओवरलैप कराने लगे, अगर ये जो है ओवरलैपिंग होने लगे, यानी कि इसके अंदर इसके बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं हुआ, इस कंडीशन में जो हमारा सॉलिड होगा वो कैसा होगा, कंडक्टर, कंडक्टर, कंडक्टर यानी कि चालक कह रहे हैं। तो इस तरीके से हम जो है एनर्जी गैप या फिर कंडक्शन बैंड या फिर वैलेंसी बैंड के अकॉर्डिंग जो है हम ये समझ सकते हैं कि जो हमारा एटम है वो इंसुलेटर होगा या फिर सेमीकंडक्टर होगा या फिर कंडक्टर होगा। यही सिलेबस अपने जो है छोटा सा जो है बैंड थ्योरी को प्रॉपर करता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा कि बैंड दो प्रकार के होते हैं, वैलेंसी बैंड, कंडक्शन बैंड। बैंड क्या होता है, वैलेंसी बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं यानी शेयरिंग किया जाता है, कंडक्शन बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे ऑर्बिटल में जिसमें इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी नहीं होता वो कंडक्शन बैंड, उसकी जो एनर्जी लेवल होती है वो कंडक्शन बैंड कहलाती है। इसको हमने दो टाइप से डिफाइन किया और हमने बताया कि अगर इन दोनों के एनर्जी लेवल का जो गैप होगा वो अगर हमारा जो है 8×10^-19 जूल से अगर अधिक हुआ तो बड़ा गैपिंग होने के कारण जो है ये अचालक की भांति व्यवहार करेगा। अगर इसका जो गैपिंग है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 5×10^-19 जूल से बराबर अथवा कम हुआ तो वो सेमी कंडक्टर यानी अर्धचालक की तरह व्यवहार करेगा, जिसमें टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तब ये ओवरलैपिंग कर लेगा, यानी कि अर्धचालक में जब ताप बढ़ाया जाएगा तो ये धीरे धीरे चालक का गुण अपने पास रखेंगे। टेम्परेचर जैसे इंक्रीज करेंगे जो गैपिंग है वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और गैपिंग बढ़ने के साथ साथ वो कैसा कार्य करने लगेगा, अचालक की भांति कार्य करने लगेगा। तीसरा केस हमने पढ़ा जो कि अगर गैपिंग बिल्कुल भी ना हो यानी कि वैलेंसी बैंड और कंडक्टर आपस में ओवरलैपिंग कर रहा हो तो उस समय ये जो है चालक की भूमिका निभाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन आसानी से वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड और कंडक्शन बैंड से वैलेंसी बैंड में मूव कर सकेगा। इसमें क्या है कि इसमें एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट हमें ध्यान रखनी है कि अगर हमने हीट इंक्रीज किया बढ़ाया तो गैपिंग बढ़ जाएगा। गैपिंग बढ़ जाने का कारण है कि इसकी जो चालकत्व तो है यानी चालक क्षमता वो धीरे धीरे घटने लगेगी। अगर हमने हीट कम किया तो इसकी चालकत्व तो क्षमता जो है बढ़ने लगेगी। तो ये तो था बैंड थ्योरी, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, आगे कल।